कश्मीर की नई तस्वीरें है, लेग स्टार्स रहे, ये पिछले 3 साल से घरों में है। ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करने पे या एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो इम्प्लीमेंट करना नहीं मानते हैं। आखिरकार ऑनरेबल कोर्ट से ऊपर क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पूरे मुल्क भर के अंदर क्या ये अथॉरिटी है जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर रहे हैं? आखिरकार क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है डिनाई किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? पिछले 3 सालों से ये अपने घरों में बैठे हैं, 3 सालों से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आज इनसे जानते हैं कि फिर से आज आप लोगों ने सड़कों का रुख किया है, आखिरकार उन 3 सालों का कारण या 3 सालों के अंदर क्या कुछ बाहर आया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर तो आया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? और अगर आप अथॉरिटीज के साथ बात करते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्ड? जी 3 साल हो गए आप सड़कों, हमेशा सड़कों का रुख करते हैं, आज भी आप सड़कों पे ही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है जो आपकी अथॉरिटीज जो है कहने के लिए मान रहे कि जी उसका ऑर्डर मानेंगे? जी सर, हम भी आपकी वसादत से डिपार्टमेंट को यही कहना चाहते हैं, अब हम जाए तो जाए कहाँ? आप ही सुप्रीम कोर्ट गए, डिपार्टमेंट ही सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटिशन को रिजेक्ट किया और वहां से हमारे हक में डिसीजन दी इनको कंटिन्यू करें, तो अब हम जाए तो जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है लॉ की, यहाँ पे जुडिशियरी की हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है यहाँ पे, अब हम उसके बाद जाए तो जाए कहाँ? नहीं, आपकी अथॉरिटी या कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वेट कर रहे हैं? मुझे भी सर वही लगता है, शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो वेट कर रहे हैं। ये देख लीजिए सर, ये ऑर्डर डिपार्टमेंट ने निकाला, रिजर्वेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स वर्किंग ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, मगर इस ऑर्डर के ये ऑर्डर निकला है 6/6/2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के निकलने के बाद, मगर इस ऑर्डर के निकलने के बाद अब 1.5 महीना हो गया, अब भी हमें हमारी सर्विस को रिज्यूम नहीं किया जा रहा है, कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता जम्मू में इन्होंने लड़कों को इख्तियार में ऐसा कौन से ऑफिसरान बैठे हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को भी नहीं मान रहे? क्लियर कट में आंसर दे दीजिए सर। यहाँ पे हमारे कश्मीर में जो है डायरेक्टर कॉलेजेस है, यहाँ पे नोडल प्रिंसिपल कश्मीर है, यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, ये सारे जो है इन कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इनका क्या मुद्दा और मकसद, ये क्या चाहते हैं सर? हमें पता नहीं क्या चाहते हैं, शायद हमारी जो नजर जा रही है, ये चाहते हैं शायद ये लोग भूखे मरे और सड़कों पे मरे, बस सुसाइड करें। लास्ट टाइम आप किन से मिले? हम हर एक से मिले, नोडल प्रिंसिपल से भी मिले, डायरेक्टर साहब हमें अपॉइंटमेंट नहीं देती है, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते रहे, वहाँ पे लॉ अफसर है उनके पास जाते रहे, एडवाइजर हायर एजुकेशन भटनागर सर के पास हम उनके पास जाते रहे, हम अब जाए तो जाए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जवाब क्या मिल रहा है वहाँ से? वहाँ से मिल रहा है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नोडल अफसर को बताया जम्मू में इम्प्लीमेंट हुआ है, जम्मू में इम्प्लीमेंट हो गया। कितने कैंडिडेट या कितने लेक्चरर्स थे वहाँ पे? वहाँ पे 298 है, यहाँ पे कितने? यहाँ पे नियर अबाउट 500 है। जम्मू कश्मीर हाल ही में अगर देखा जाए यूटी में तब्दील तो हुई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत है, टेम्पोरेरी बेसिस पे जो जिसको यूटी बनाया गया, जम्मू के अंदर ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, कश्मीर के अंदर नहीं। जम्मू के अंदर अफसरान जो है सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कश्मीर के अंदर शायद वो अफसरान जो है ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ये 3 साल से सड़कों पर लगातार है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जो है गाइडलाइन दे चुकी है, पिटीशन उनकी रिजेक्ट कर चुकी है, इनके हक में फैसला दे चुकी है। आखिरकार क्या ये नई तस्वीरें है? ये सारे एजुकेटेड तबका है, ये सारे जो है डिग्रियां करके है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो किसकी डायरेक्शंस का इंतजार है? उम्मीद करते हैं कि जितने भी अहदेदार है या जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स है वो एटलीस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को या ऑर्डर की रेस्पेक्ट करें और उस पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। जम्मू के अंदर अगर हुआ है, कश्मीर के अंदर क्यों रोक लगाई जा रही है? वो 298 थे, ये 300 है, आखिर का 500 के आसपास है। क्या पूरे मुल्क भर के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई ऐसा कोर्ट है या कोई ऐसा जस्टिस का इदारा है जहां ये इनके अहदेदार जाना चाहते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है? जम्मू में अगर हो रही है कश्मीर में क्यों नहीं हो रही है? क्या ये नए कश्मीर की तस्वीरें हैं? ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है, एक मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा सभी की ओर जो है तस्वीरें दिखाए, ऑलमोस्ट जो है अब एज निकलती जा रही है। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है? 3 ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी जो है डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, लेकिन सिला उसका यह है कि सड़कों पे है, एजुकेटेड डिग्रियां करके ये सारे लोग हैं,
मैं एक एक करके तो गिनाऊंगा नहीं कि किसके पास क्या डिग्री है, लेकिन ओवरऑल जो है हाईएस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, हाईएस्ट क्वालिफाइड लेक्चरर्स है, और इनको जब तब जो है इनको अगर इस डिपार्टमेंट में जगह मिली वो इनकी अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से मिली, और आज ऑफिसरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है डिनाई कर रहे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे इनके हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा, उम्मीद करते हैं जहां पे भी हमारी बात किसी अवजार में होती है इनके हवाले से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।